प्रतिज्ञा बन जाए। वाह बारे उसूल आदर्श वाली आज की बहन, वाह पूरा प्रोफेसर साहब वाली भाषा बोल रही है, डिट्टो प्रोफेसर साहब की छाप लेके पैदा हुई है। बजाय इसके कि खुशी मनावे कि भाई इतने दिन बाद छूट के आवा है, उसूल रेल रही हैं। अरे किसना बहु, तो भाई के लिए तोरे दिल में कोनो ममता मोह नहीं ना? अरे आप रहने दीजिए बाबूजी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, दरअसल ये कभी रिश्तों को समझ नहीं पाए। भैया रिश्तों का मतलब होता है अपनों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। इंसान को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और सही रास्ते को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गलत और बुरे कर्मों को अपनी जिंदगी का बोझ बना लेना चाहिए ताकि जब पछताने की नौबत आए तो वो अपनों के सामने शर्म से पछता भी ना पाए। लो पाहुन चाय पी लो। रह दियो मैं अमरी, चाय बाय पीने कोनो तमन्ना नहीं है। ठाकुरायन ए कहाँ गाओ यार? ए ठाकुरायन देखो हम आ गए यार, अपने आदर्शवा को बेदाग निकार के लैया है साहब, एकदम फिट कर दिया, कह दिया फिट एकदम आया। भगवान का शुक्र है कि दामाद जी रिहा हुए गए। अरे कैसे नहीं छूटेंगे, अरे ऐसे नहीं, हमारा नाम ठाकुर सज्जन सिंह है। पूरी दुनिया का भला करते घूम रहे हो, आपको अपना बिठवा नहीं दिख रहा? अरे हम कब से चिल्लाए रहे यार, हम कब से कह रहे हमको अपना व्यापार शुरू करना, हम अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे, हमको पैसा दे दो। अरे खाइए खाइए ना, खाना खाइए, खाना क्यों रोक रहे हैं? अरे आराम से खाइए। अरे हाँ आपको तो हमें यहाँ देखकर बहुत दुख हो रहा होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने का और हमें सलाखों के पीछे सड़ाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया था। क्या करें अम्मा बताओ हैं? तुम बनाती इतना कमाल यार, मजा आता है हमका। और हमारी अम्मा जैसा बाटी जो कोनो बनाए के दिखाए मान जाए। देखो बाबा ऐसे तारीफ कर रहा है ना मेरे बाटी चोखा, तो इसे की ना कल से अपने ढाबे पे हमारा बाटी चोखा बेचेगा। अरे अरे हम का कमाल आइडिया दे दियो यार तुम, नहीं सच में। अरे अरे मतलब सोचो, अरे हमारी अम्मा के हाथ का बाटी चोखा खा के तो है ग्राहक जो है ना मस्तिया जाएगा, कहीं और जाएगा सोच में ना करेगा। और हमारा ढाबा जो है ना उस शहर में और मशहूर हो जाएगा, क्या कहते हो बाबू जी, कैसा लगा तुमको आइडिया? अब अम्मा की रसोई जो है ना बाजार में जाएगी, तो महाराजिन बनिया खानसामा, कौन खाएगा इनके हाथ के? काहे नहीं कौनो खाएगा, का खराबी है हमारे बाटी चोखा में? इतना साल से हमारे हाथ का खाना खाते हैं, भर भर थाली खा जाएंगे, लेकिन गलती से कभी हमारी तारीफ इनके मुंह से नहीं निकलेगी। और बाबा आज तारीफ कर रहा है तो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ए बाबा तू ना अपने ढाबे पे हमारा बाटी चोखा जरूर बेचना। अरे बिल्कुल, पर एक बार अपनी मेहरिया से भी पूछ ले। तो एमए का बड़ी बात है बाबू, बताओ तुम क्या कहते हो, तुम बताओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अम्मा के हाथों का बना बाटी चोखा सचमुच बहुत स्वादिष्ट होता है, और इसके तो स्वाद की बात ही अलग होती है, लोग जरूर उस स्वाद से बन जाएंगे। पर अम्मा पिछले कुछ दिनों से आपकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती, तो फिर आप इतना सारा बाटी चोखा कैसे बना पाएंगे? आप एक काम कीजिए, आप पहले ठीक हो जाइए फिर बाटी चोखा बनाइएगा, और तभी हम हमारे ढाबे पर बाटी चोखा रखना शुरू करेंगे।